इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन समाप्त हो गया है और इंग्लैंड ने 25 रन बिना विकेट खोकर बना भी लिए हैं और इंडियन टीम से अभी भी इंग्लैंड की टीम 70 रन पीछे है। टॉम सिबली 9 और रोरी बंस 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तीसरे दिन का आखिरी सेशन बारिश के कारण नहीं हुआ और खेल समाप्ति का ऐलान कर दिया गया। पहले सेशन से शुरुआत करें तो दिन की शुरुआत में बारिश का खलल देखने को मिला और एक घंटे तक गेम भी नहीं हो पाया। इसके बाद मैच शुरू हुआ लेकिन एक बार फिर से बारिश के खलल के बीच मैच को रोकना पड़ा। दूसरी बार गेम शुरू होने पर ऋषभ पंत ने आक्रमक क्रिकेट खेलने का प्रयास किया। वह 20 गेंद में 25 रन बनाकर रॉबिन्सन का शिकार हो गए। पंत ने अपनी छोटी पारी में 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। इस समय कुल स्कोर 145 रन था। यहां से रविंद्र जडेजा ने संभल कर खेलते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया और टीम को बढ़त की तरफ ले गए। पहले सेशन की समाप्ति तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 191 रन था। केएल राहुल 77 और जडेजा 27 रन बनाकर क्रीज पर थे। लंच के बाद खेलते हुए इंडियन टीम ने केएल राहुल का विकेट गवा दिया। वह 84 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। इंडियन टीम 278 रन बनाकर ऑल आउट हो गई लेकिन उनको 95 रन की बढ़त मिल गई थी। रॉबिन्सन ने 5 और एंडरसन ने 4 विकेट झटके। टी तक दूसरी पारी में इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 11 रन बना लिए थे। तीसरे सेशन में ज्यादा गेम नहीं हुआ और यह सेशन बारिश की भेंट चढ़ गया और इंग्लैंड का स्कोर 0 विकेट पर 25 रन था। उस समय बारिश आई और बाद में खेल रुक गया। अंत में गेम के समाप्ति का ऐलान कर दिया गया। सिबली 9 और रोरी बंस 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं और अब ये कल देखना होगा कि इंग्लैंड की टीम कितने रन बना पाती है। तो अगली अपडेट की तरफ चले तो यह MS धोनी की तरफ से है। ट्विटर ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन MS धोनी के ऑफिशियल अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। बाद में फैंस ने इस मामले में ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद MS धोनी के अकाउंट का ब्लू टिक वापस से रिस्टोर कर दिया गया। आपको बता दें कि धोनी सोशल मीडिया के एक एक्टिव यूजर नहीं है और फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर होने के बावजूद शायद ही कुछ पोस्ट करते हैं। ट्विटर की नई पॉलिसी के कारण जो अकाउंट कई महीनों तक एक्टिव नहीं आता तो उससे ब्लू टिक हटा दिया जाता है और धोनी के अकाउंट के साथ भी यही हुआ था। और अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका ब्लू टिक अब वापस आ चुका है। और अगली अपडेट की तरफ चले तो न्यूजीलैंड के 8 की प्लेयर अब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। सोर्स की माने तो न्यूजीलैंड के टॉप 8 खिलाड़ी जैसे केन विलियमसन, काइली जेमिसन, टिम सेफर्ट, जिमी नीसम, ट्रेंट बोट, एडम मिल्ले, मिचेल सेंटनर और लॉकी फर्गुसन, इनकी सबसे ज्यादा संभावना है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। ये ऊपर के सभी टॉप खिलाड़ी अपनी IPL फ्रेंचाइजी के लिए की प्लेयर हैं और इन खिलाड़ी ने IPL के बचे हुए 31 गेंदों में अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है। और अगली अपडेट की बात करें तो यह हैदराबाद की टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और टी नटराजन अपनी चोट से उभर चुके हैं। टी नटराजन ने इंदौर अकेडमी में ट्रेनिंग की शुरुआत करके IPL में वापसी के संकेत दे दिए हैं। नटराजन को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर घुटने में चोट लगी थी जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई और वह IPL 2021 से कुछ मैच के बाद बाहर हो गए थे। हैदराबाद के तेज गेंदबाज ने अपने फैंस को जोरदार वापसी का भरोसा दिलाया था और अब वह पूरी तरह से फिट हो गए हैं और वह IPL 2021 के दूसरे फेज में वापसी करेंगे। नटराजन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करके अपनी तैयारियों की अपडेट दी है। टी नटराजन की अप्रैल में सर्जरी हुई थी और इसके बाद वह घर में रहकर ठीक हो रहे हैं। बाद में श्रेयस अय्यर के साथ NCA में उन्होंने रिहा पूरा किया। हैदराबाद को IPL 2021 के पहले फेज में नटराजन की बहुत कमी खली क्योंकि वह आखिरी ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी करते थे और अब ये देखना होगा कि वह IPL के दूसरे फेज में कैसा प्रदर्शन करते हैं और वह T20 वर्ल्ड कप खेल के जाते हैं या नहीं। अगली अपडेट की बात करें तो वह श्रीलंका के स्पिनर बिरंडू हसरंगा CPL 2021 से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि वह श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली व्हाइट वर्ल्ड सीरीज खेलने वाले हैं। उन्हें मई में हुए प्लेयर ड्रॉप्स के दौरान सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियस टीम में शामिल किया गया था। तो अगली अपडेट की तरफ चलें तो BCCI ने IPL के दूसरे फेज के लिए बबल टू बबल ट्रांसफर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पहले CPL और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सीरीज से बबल ट्रांसफर होने की उम्मीद थी। हालांकि यह BCCI ने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका सीरीज से आने वाले खिलाड़ियों को भी अनुमति दे दी है। तो आज की न्यूज यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक
करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।